राजकुमार सिंह, देश के समाचार में आपका स्वागत है। आप गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये आपने कब सोचा, कब से चालू किया? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अब इस ग्रामीण क्षेत्र में बनी समाजवादी कुटिया पर आए हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार जब हमारा देश पूरा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, लगभग मार्च 2020 में, मैंने गरीब बच्चों को निःशुल्क उनके निर्देश पर दूध पिलाने का गाँव-गाँव घूम के काम दूध पिलाने का काम किया था। उसी समय जब मैं गांव-गांव घूम रहा था तो उसमें कोरोना का एक बहुत विकराल रूप ले लिया था और बहुत दिक्कतें होती थी गांव में लोगों को दूध पिलाने में, शासन प्रशासन का दबाव बना। उसके बाद मैं अपने खेत में बनी एक कुटिया को समाजवादी कुटिया का नाम देके उन्हीं बच्चों को यहां बुला के डेली दूध देने का काम किया। धीरे धीरे उन बच्चों को दूध बिस्कुट फल पौष्टिक आहार के रूप में देना शुरू किया और शिक्षा के रूप में शिक्षा में, क्योंकि गरीब बच्चे थे उसमें कोरोना काल में, मतलब विद्यालय बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो उन बच्चों को मैं यहीं पर शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन बच्चों को आज 2 साल हो गया और आज समाजवादी कुटिया का दूसरा स्थापना दिवस है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर स्थापना दिवस के अवसर पर स्नातक MLC हमारे बड़े भैया आशुतोष सिन्हा जी आ रहे हैं यहाँ पे आज मुख्यतिथि के रूप में। अच्छा, ये जो आपने कार्यक्रम चालू किया यहाँ पे तो बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उस दिक्कतों का सामना आपने कैसे किया? देखिए, मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे नेताजी समाजवादी पार्टी की स्थापना इसलिए किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय के लोगों की मदद करना ही सच्चा समाजवाद है। तो मैं परेशानियाँ तो कठिनाइयाँ बहुत सारी झेलता हूँ, कितनी से झेलता हूँ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं अपने लक्ष्य और अपने जो मेरा काम है, जो मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने कार्य को लगातार इसी तरह करता रहूँ, लोगों की मदद करता रहूँ। मैं एक दिव्यांग परिवार है उसको भी गोद लिया हूँ, वो अंधे हैं, पैर से पत्नी को दिक्कत है और एक मैं पहलवान को भी अपने तरफ से जो भी व्यवस्थाएं होता देता हूं। तो मेरा काम है कि जो लोगों की मदद करना, मैं किसी न किसी तरह लोगों की मदद करता हूं। ये जो आपने भी लगभग आपके यहां कितने बच्चे होंगे? देखिए, बच्चे तो लगभग इस समय 120-130 बच्चे हैं और बच्चे आते रहते हैं, घटते बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक अभी तो मेरा कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन वो नहीं है कि मतलब मैं किसी को मार्कशीट वगैरह, क्योंकि लॉकडाउन था उसमें बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक वैकल्पिक शिक्षा के रूप में और बच्चों को दूध बिस्कुट और पौष्टिक आहार का जो भी चीज़ें होती है मैं देता रहता हूँ। अच्छा, इसमें संस्था भी कोई मदद कर रही थी कि आप अपना अकेले ही सारी चीज़ें किए? नहीं, ये मैं समाजवादी पार्टी की मदद से, माननीय अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मदद से मैं ये काम करता हूँ। मेरे पार्टी के सभी लोग मदद करते हैं, माननीय मेरे जिलाध्यक्ष जी पूरा मेरा सहयोग करते हैं, मेरे पार्टी के जो भी लीडर हैं मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कार्य करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप इस ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी कुटिया को प्रमुखता से खबर दिखाने कार्य किए। आगे का जो